हाँ भाई आना है। अरे वहां से इद्रीस को भी बुला लेना, ठीक है? इद्रीस इद्रीस हाँ भाई बोल, जाना है। चलो चल स्कूल, जल्दी आ जा। चलो चलो लेट हो गया। अरे भाई तेरी जैन तू कैसे पेड़ काट रही? चलो जैसे बोलते हैं इनको, इसको पता ही नहीं इनकी इम्पोर्टेंस। अरे अंकल क्या हुआ आप? मुझे तो बात है। अरे आप ये पेड़ क्यों काट रहे हैं? आपको पता नहीं है ये हमारे लिए कितने जरूरी है? वो क्या जरूरी है भाभी? यहाँ से फ्रेश एयर देते हैं, फ्रेश फूड देते हैं। ओ सुनो मैं फ्रेश एयर रोज पीता हूँ, तुम्हें पता है? अरे क्या हुआ अंकल, आप ये क्यों काट रहे हैं? क्यों मासूमों की जान ले रहे हो? मैंने बोला मैं यहाँ से भागो, ये देख रहे हो? अरे भागो यहाँ से। अंकल आपको ऐसे जरूर पता रहेगी तब आप बताओगे। चलो इनको पता ही नहीं। अरे क्या हुआ बहन जी आपको? अरे क्या है तुम्हें? अरे आप ये कूड़ा क्यों फेंक रहे हो? तुम्हारे घर के सामने तो फेंक नहीं रही हूँ, फेंक रही हूँ इधर, तो तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम हो रही है? अरे मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इससे हमारे माहौल को प्रॉब्लम होती है। आपको पता नहीं इससे कितनी बीमारियां उठती है? अरे जल जल बड़ी आई बीमारियां बोलने वाली, जाओ यहां से। पता है मेरी टीचर्स ने बोला है कि आज बहुत जानलेवा बीमारियां फैल गई है, डेंगू और मलेरिया, पता है आपको? अरे जा तेरी टीचर जैसी तालीम मुझे है, तू बड़ी आई जाओ टीचर। क्या हुआ आपको? आप ये कूड़ा क्यों फेंक रहे हो? आपको पता नहीं है इनसे क्या बीमारियां होती हैं? अच्छा डेंगू और मलेरिया पता है कितनी जानलेवा बीमारी है? अरे हम कोरोना से बच गए तो डेंगू क्या कौन सी नई बीमारी है? कदर आएगी? अरे जा जा अपना काम करो, मेरा बेटा सुबह सुबह खराब मार करो। चल जल्दी चल, रहने दे, इनका भी कदर आएगी एक दिन। हुआ भाई साहब आप ये कूड़ा क्यों इधर जला रहे हो? ये क्या मेरे में? ये तो आप किसी नाले में भी जला सकते थे। मैं रोड पे चलाऊं या नाले में चलाऊं आपको क्या उसके साथ? आपको ये नहीं पता इसे एयर पोल्यूटेड होता है? आपको क्या है? मुझे नहीं हो रहा ना, आपको हो रहा है, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। ये बहुत गंदगी है, ये इसको आप किसी नाले में भी जला सकते हैं। मैं रोड पे चलाऊं, नाले में चलाऊं, घर के पास चलाऊं, आपको क्या मेरे साथ? जाओ यहाँ से। चल सही चल, इनको भी समझ आएगी, निकलो यहाँ से, हमारी कदर आएगी। जाओ आएगी, निकलो निकलो यहाँ से। अरे तुझे स्कूल आना है? हाँ हाँ आना है, आना है। चल चल वहाँ से ताहिर को भी बुला लेना। ताहिर ताहिर हाँ भाई चल जल्दी, स्कूल लेट हो गया। चलो चलो। अरे आज वो तीन अंकल किधर है? अरे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चलो बस अंकल से पूछते हैं। हाँ अंकल। हाँ बच्चों बोलो, आज वो तीन अंकल किधर है? अरे बेटा तुम वो ही लोग हो ना जो उनको रोज मिसिंग करते हैं। अंकल वो कहाँ है आज? अरे बेटा क्या बताऊँ, सरकारी इलेक्शन की ये मापजूल है आपके लिए। आपने देखा होगा जब आप इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे, यू विल क्रॉस द एज ऑफ 18, यू विल बिकम, यू विल हैव द राइट टू कास्ट द वोट। आपके लिए एक एक्टिविटी आपने देखी है, आपके लिए एक एक्टिविटी बन गई है कि वोट किस तरह डालना है, इलेक्शन में कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, कहाँ पर एजेंट बैठना चाहिए, P1 का माने क्या है, P2 का माने क्या है, इलेक्शन एजेंट का माने क्या है, सब कुछ आज आपको देखने को मिला है यहाँ पर। सो आज अभी तक ऐलान नहीं हुआ है कौन जीतेगा कौन हारेगा। मेरे ख्याल में न आज कोई जीतेगा न कोई हारेगा। अगर आज किसी की जीत हुई है वो हायर सेकेंडरी स्कूल चंदूसा की जीत हुई है, क्योंकि जिस लड़के ने आज फार्म भरा है, द स्टूडेंट्स हु सबमिटेड द फार्म टू कंटेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड बॉय और हेड गर्ल, उसका असली मकसद था कि आई विल रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स, मैं इस हायर सेकेंडरी के लिए काम करूंगा, मैं इन बच्चों की खिदमत करूंगा। ये आपका जो हारेगा या जीतेगा, मैंने आपको एक बार फिर मैं कहूंगा, न कोई आज जीतेगा न हारेगा। अगर जीत होगी वो हायर सेकेंडरी स्कूल चंदूसा की होगी, क्योंकि असली इंटेंशन देखना होता है। इंटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव सबमिटेड द फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ हेड गर्ल टू कंटेस्ट दिस, उसका मकसद था कि आई विल रिप्रेजेंट दीज स्टूडेंट्स, मैं उनकी रिप्रेजेंटेशन करूंगा। अगर कोई मसला होगा वो मसला लेकर मैं प्रिंसिपल ऑफिस में जाऊंगा, मैं किसी स्टाफ मेंबर के पास जाऊंगा। Each and every student will not be in a position to come to approach me, because this institution is expected to have the role of more than 800 students. 800 students mein koi na koi problem hogi. Agar 800 bache ek roz mere paas aayenge, it will disturb their activities of the institution. Ye institution smooth chalane mein mujhe problem ho jayegi. To is institution ko sahi rang mein chalane ke liye, we have decided to conduct the election. इलेक्शन में कोई हेड बॉय बन जाएगा, कोई हेड गर्ल बन जाएगा, शी आर ही इज हैविंग द राइट टू कम टू मी अलॉन्ग विद एनी प्रॉब्लम इफ एनी बॉडी इज फेसिंग। सो वन मे निशन आज हाँ लड़कन ये प्रॉब्लम, क्लास में सफाई कहें, क्लास में बोर्ड सही लेखान कहें,
बोर्ड मिटाने मार्कर में ये होता है अरेंजमेंट ना सही वक्त पे गह ये उनकी ड्यूटी है बाजब्त कर सबूत। अगर किसी लड़के ने आज अभी ऐलान नहीं हुआ, मुझे पता नहीं है कौन जीता कौन हारा, जो लड़का आज सिलेक्ट हुआ है, नाउ इट इज योर ड्यूटी टू अबे हिम, ये आपकी ड्यूटी है, आपने उसको इज्जत रखा है, आपने उसको वोट डाला है। अगर किसी ने हारा है, जिस लड़के ने जीता है, अगर किसी ने उसको वोट नहीं डाला है, ही इज द हेड बॉय ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, इफ ही आर शी कास्टेड द वोट इन हिज फेवर आर नॉट, अगर तुम तो वोट त्रो या न त्रो, किसी लड़के को यह हक नहीं बनता है आज के बाद, वो वन तेमिस उसको वो कहेगा मशीन में।